कठोर सेवादारा री कहानी। एक दैड़े पत्रस यीशु ले पूछया, हे प्रभु, मुझो अपने भाई जो कितनी बारी माफ करना चाहिए तेबे से मेरे बरखलाफ पाप करे, क्या 7 बारी? यीशुए बोलिया, 7 बारी नी पर 17 रे 70 बारी। इतरे जरिए यीशु रा मतलब आ कि आसा जो हमेशा माफ करना चाहिए। तेबे यीशुए ये कहानी दसी। यीशुए बोलिया, परमेश्वर राज्य एक राज्य साई आ जो अपने दासा ले हिसाब लेना चाह था। तीसरा एक दास 2 लाख साला री मजदूरी रे बराबर एक बड़े कर्जे रा कर्जदार था, पर से दास अपना कर्जा वापस नहीं करी पाया। इदी कठे राजे बोलिया, इसरा कर्जा चुकाने रे कठे इस आदमी जो होर तीसरे परिवार जो दासा रे रूपा मंज बेची देवा। तिने दासे राजे रे सामने अपने जांडू मुड़ी कने अर्ज करी कने बोलिया, दया करी कने मेरे बारे मंज थोड़ा सब्र करा, होर मां अपने कर्जे री पूरी रकम दे देनी। राजे दासा पर दया कीती, इदी कठे तिने तीसरे सारे कर्ज माफ करी दिते, होर से जाने दित्या। पर जेबे से दास राजे वाले ले बार गया ता तिस जो तीसरा एक साथी दास मिल्या जो तीसरे 4 महीने री मजदूरी रे बराबर कर्जे रा कर्जदार था। तिने दासे अपने साथी दास पकड़ी लया, होर बोलिया, जो तेरे ऊपर मेरा कर्जा से तू मुंजो दे ही दे। तिने साथी दासे अपने जांडू मुड़ी कने अर्जी करी कने बोलिया, दया करी कने मेरे बारे मंज थोड़ा सबर करा, होर मां अपने कर्जे री पूरी रकम दे ही देनी। पर इतारे बजाय तिने दासे अपना साथी दास जेला मंज पाई दित्या जेबे तक कि से कर्जा वापस नहीं करी दे। जो कुछ होया था से दूजे दासे देख्या, होर स्यों बहुत परेशान हुए। स्यों राजे वाले गए, होर तिस जो सब कुछ दस्या। राजे तिस दासा जो सादी कने बोलिया, हे बुरे दास, मैं तेरा कर्ज इदी कठे माफ कित्या था क्योंकि ते मेरे ले अर्जी कीती थी, तुझो भी एड़ा ही करना चाहिए था। राजा इतने गुस्से मंज था कि तिने से बुरा दास जेला मंज पाई दित्या जेबे तक कि से अपना सारा कर्ज वापस नहीं करी दे। तेबे यीशुए बोलिया, स्वर्गा मंज बैठी रे मेरे बापुआ, तुसा मंजाले हर एक सौगी एड़ा ही करना। अगर तुसे अपने भाई जो अपने दिला ले माफ नहीं करे। मत्ती अध्याय 18 रा 21 ले 35 ले एक बाइबलारी कहानी।